एबी फन और आज की इस वीडियो में पैरामेडिकल और नर्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट की पैरामेडिकल और नर्सिंग में कौन सा बेस्ट कोर्स है, ठीक है। क्योंकि क्लास 12 के बाद नीट के बाद यही दो ऑप्शंस बचते हैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इसी को सेलेक्ट करते हैं, आइदर पैरामेडिकल आइदर नर्सिंग, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट की झारखंड के अंदर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग में, या फिर अगर आप झारखंड से पैरामेडिकल और नर्सिंग दोनों के एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो तो आपका अगर दोनों क्लियर हो जाता है तो किस में आपको जाना चाहिए, ठीक है। एंड पैरामेडिकल का क्या अपॉर्चुनिटीज है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, एंड फ्यूचर प्लान्स क्या है, एंड नर्सिंग के जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ना दैट की बीएससी नर्सिंग का क्या है। तो बीएससी नर्सिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं ना, तो बेसिकली ये एजुकेशनल रिक्वायरमेंट बैचलर डिग्री है, ठीक है। और ये बेसिकली ट्रेनिंग क्या होता है इसका, एम्फेसिस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग थ्योरी, मतलब कि ये जो मतलब बीएससी नर्सिंग जो है ना वो बीएससी डिग्री है, ठीक है, नर्सिंग के फील्ड में, ठीक है। और वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग आफ्टर जीएनएम। जीएनएम के बाद जो है ना बीएससी नर्सिंग का काउंटडाउन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान पे रखना है, ठीक है। और यहाँ पर क्लिनिकल रोटेशंस भी होता है, जब भी आप क्लास स्टडी करोगे या फिर बीएससी नर्सिंग के स्टडी करोगे तो आपका क्लिनिकल रोटेशन भी होगा, मतलब कि आपको क्लिनिक्स में विजिट करना पड़ेगा, लाइक हॉस्पिटल ड्यूटीज में एंड बड़े बड़े क्लिनिक्स में, एंड वहां पर आपको मतलब क्या कहते हैं, मतलब पेशेंट केयर करना है एंड हेल्थ प्रमोशन करना है, ठीक है, एंड डिजीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट करना है आपको, ठीक है। तो दिस इज द फोकस ऑफ बीएससी नर्सिंग, ऑलराइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज पैरामेडिकल। पैरामेडिकल क्या है, बेसिकली टाइपिकली डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम। झारखंड के अंदर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स ही होता है। सर्टिफिकेट किन लोग की होता है, सर्टिफिकेट जो क्लास 10 लेवल से एग्जाम देते हैं, मैट्रिक लेवल के एग्जाम देते हैं, उनको हम लोग कहते हैं सर्टिफिकेट लेवल के एग्जाम, ठीक है। और वो 1 ईयर का होता है, डिप्लोमा 2 ईयर का होता है, और बीएससी इन पैरामेडिकल भी होता है, बट झारखंड के अंदर बीएससी इन पैरामेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए आपको एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम देना पड़ेगा, जहां पर आपको बीएससी के कोर्सेज देखने को मिलेंगे, ऑलराइट। तो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा दैट की झारखंड के अंदर हम लोग करेंटली डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। बेसिकली ट्रेनिंग इसका क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन फील्ड लाइक रेडियोलॉजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एटीसी, मतलब कि जो ट्रेनिंग आप करोगे उसका स्पेशल फील्ड रहता है। स्पेशल फील्ड मतलब कि आप अगर रेडियोलॉजी में ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर रेडियोलॉजी का कोर्स है आपका ना, तो आप वहीं पर आप काम कर सकते हो, उसके अलावा आप कहीं काम नहीं कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, बीएससी नर्सिंग में आप पेशेंट केयर कर सकते हो अपने पर्सनल क्लिनिक में एंड हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो ऐसा है, और इवन टीचर्स बन सकते हो, बट पैरामेडिकल में यहाँ पर लिमिटेशन है दैट कि आप जो ट्रेनिंग करोगे या फिर जो भी वर्क करोगे उसकी लिमिटेड फील्ड रहेगी। रेडियोलॉजी अगर आप कर रहे हो तो रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट में ही आप वर्क करोगे या फिर जॉब करोगे। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में कर रहे हो तो आपको लैब में ही वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर आप इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं वहाँ पर, उस फील्ड में आपको वर्क करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो फोकस किया गया है ना वो सपोर्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स इन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, ठीक है। मतलब कि मेडिकल प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स होते हैं उनको सपोर्ट देना है, ठीक है। एंड अगर आप रेडियोलॉजी किया है तो आपने आपको क्या वर्क मिलेगा, आप या तो फिर पेशेंट का एक्सरे करोगे या तो फिर सीटी स्कैन करोगे। तो वहां पर क्या होता है, सपोर्ट टू मेडिकल प्रोफेशनल दैट इज डॉक्टर इन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स ट्रीटमेंट एंड पेशेंट केयर, मतलब कि जांच में और प्रोसीजर्स में, जो भी हॉस्पिटल में प्रोसीजर्स होते हैं मेडिकल प्रोसीजर्स, उसमें ट्रीटमेंट में और पेशेंट केयर में, ठीक है। तो दिस इज द फोकस ऑफ पैरामेडिकल, ऑलराइट। तो आपको डिफरेंट समझ में आ गया हो गया दैट कि नर्सिंग में आपको क्या क्या फोकस करना होता है एंड पैरामेडिकल में क्या क्या होता है, ठीक है। एंड मैंने कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर बता दिया है। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज करियर अपॉर्चुनिटीज। तो करियर अपॉर्चुनिटीज इज द बेस्ट थिंग, एंड मैं यहाँ पर डायरेक्ट करियर अपॉर्चुनिटी में जाता हूँ। बीच में और भी बहुत सारे ऑप्शन, मतलब कि और भी नॉलेजेस हैं यहाँ पर जो कि मैंने नहीं बताया, अभी करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है। दैट इज करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये बेसिकली हॉस्पिटल सेटिंग, देख सकते हो, एम्प्लॉयमेंट इन हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स एंड लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, ठीक है। मतलब कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप हॉस्पिटल में ना नर्स बन सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इन हॉस्पिटल्स क्लिनिक, जो क्लिनिकल्स होते हैं या फिर क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पर भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है, बेसिकली आपने अपने ब्लॉक्स में देखा होगा दैट की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, जहाँ पर छोटे मोटे हेल्थ केयर होते हैं, वहाँ पर भी नर्सेज की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, तो वहाँ पर आप वर्क कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, स्कूल्स एंड होम हेल्थ केयर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप वर्क कर पाओगे, करियर अपॉर्चुनिटीज है वो कम्युनिटी हेल्थ में भी है। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन क्या है यहाँ पर, करियर एडवांसमेंट थ्रू स्पेशलाइजेशन एडवांस पेशेंट प्रैक्टिस एंड लीडरशिप रोल्स, मतलब कि इसके बाद भी आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो।
रिसर्च एंड एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज इन रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड एकेडमिक सेटिंग्स। ठीक है, इवन आप रिसर्च में भी जा सकते हो, कोई भी कॉलेजेस में आप टीच कर रहे हो या फिर वहाँ के फैकल्टी भी बन सकते हो। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ये बी एस सी नर्सिंग का हो गया, पैरामेडिकल का देख लेते हैं ना। तो पैरामेडिकल में भी आप यहाँ पर देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट इन हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स एंड आउट पेशेंट क्लिनिक्स। ठीक है, मतलब कि ओपीडी में वर्क कर सकते हो, डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी होते हैं वहाँ पर भी वर्क कर सकते हो, और हॉस्पिटल में भी एम्प्लॉयमेंट बन सकते हो, मतलब कि हॉस्पिटल में एज ए एम्प्लॉय वर्क कर सकते हो। लेबोरेटरीज, वर्क इन पैथोलॉजी लैब्स, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ETC। ठीक है, जैसा कि ऑलरेडी पीछे की वीडियो, मतलब कि पीछे वाले सेक्शन में बता रखा था। ठीक है, रिसर्च अपॉर्चुनिटी इन मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जो भी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर आपको रिसर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, मतलब कि वहाँ के फैकल्टी भी आप बन सकते हो। ठीक है, स्पेशलाइजेशन क्या है, करियर ग्रोथ थ्रू स्पेशलाइजेशन इन स्पेसिफिक एरियाज लाइक रेडियोलॉजी, टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी साइंस। ठीक है, तो दिस इज द स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, रेडियोलॉजी लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी के साथ साथ कैथ लैब टेक्नीशियन, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि मैंने लास्ट की वीडियो बता रखा है। अगर आपको कोर्सेज के बारे में जानना है तो लास्ट की वीडियो देख लेना। ठीक है, तो करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया, अभी मूव करते हैं कंक्लूजन क्या है, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो ना तो नर्सिंग की ओर फॉरवर्ड करो, एंड अगर आप बॉयज कैंडिडेट हो तो आप या तो नर्सिंग जा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, या तो फिर आप पैरामेडिकल में जा सकते हो। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर ज्यादा है, देखो गवर्नमेंट जॉब ऑब्वियसली नर्सिंग में ज्यादा है, बिकॉज नर्सिंग का डिमांड बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में। ठीक है, उसके बाद पैरामेडिकल का डिमांड आता है। ठीक है, तो दोनों कोर्सेज बढ़िया है। ठीक है, डिपेंड करता है आप कौन सा करते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया दैट की करियर अपॉर्चुनिटीज किस में ज्यादा है, नर्सिंग में ज्यादा है एज कम्पेयर टू पैरामेडिकल। ऑलराइट, तो आपको मूव करना चाहिए नर्सिंग की ओर, एंड पैरामेडिकल में मैंने चार कोर्सेज बताए, उसके अलावा कोई भी कोर्सेज नहीं करने हैं, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम, एंड कभी कभी वो लोग बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।